क्लास फोर्थ इज इन ग्रामर ग्रामर में द चैप्टर सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ओके नाउ वी स्टार्ट सेक्शन सी. ऑलरेडी वी फिनिश्ड अप फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड, मतलब फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम स्टेटमेंट, विच मीन्स डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव. ओके नाउ द सी इज अ इंपरेटिव. एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेशंस कम अ कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस एंड एक्सेट्रा. ई डी सी मीन्स होता है एक्सेट्रा. ओके आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड इन सच सेंटेंसेज. कुछ सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है, नॉट यू, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हिडन होता है. ठीक है, मतलब छुपा हुआ होता है. दे एंड विद द फुल स्टॉप एंड दे हैं विद द फुल स्टॉप. फॉर एन एग्जाम्पल, ड्राइव केयरफुली, ये आपका एडवाइज है, बट किसको कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट है. अगर हम देते थे राम जस्ट ड्राइव केयरफुली, तो राम इज इन सब्जेक्ट, यू इज इन सब्जेक्ट का, तो एडवाइस दे रहा है कि धीमे गाड़ी चलाओ. गेट आउट ऑफ द रूम, ये कमांड दिया, गेट आउट ऑफ द रूम ना, तो दैट्स अ कमांड. नेक्स्ट, कैन आई बोरो योर पेन, तो दैट्स इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कैन आई बोरो योर पेन, या फिर कैन आई बोरो योर पेन. नाउ स्टॉप फाइटिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड योर सिस्टर एंड योर ब्रदर, समटाइम्स बहुत ज़्यादा आप लोग जब फाइट करते तो मॉम आपके बोलते लड़ो नहीं, तो जस्ट स्टॉप फाइटिंग, तो दैट इज़ एन कमांड, स्टॉप फाइटिंग, इज दैट क्लियर. तो ये कमांड हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एन एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी मीन्स एन एक्सक्लेमेटरी, बिकॉज ई इज इन वॉवल, सो ए एन एन. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस. दे एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक आपकी मजबूत फीलिंग जो होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और जो आपकी इमोशंस होते हैं, जैसे जब हम दुखी होते हैं तो सैड इमोशंस होते हैं, हैप्पी खुश होते हैं तो हैप्पी इमोशंस होते हैं. ठीक है, गुस्सा आती है तो एंग्री इमोशंस हमारे अंदर निकलते हैं, जैसे कि देखिए डैड के एंग्री इमोशंस निकल रहे हैं. ठीक है, एन एक्सक्लेमेशन वर्ड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होता है उनमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, इज ऑल्सो यूज इन सच सेंटेंसेस. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल्स, फर्स्ट द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा जब सोता है तो बोलते नहीं शोर मत करो, बच्चा सो रहा है, तो मतलब द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. एल्स आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, मैं अपनी सारी उम्मीदें और आशाएं खो चुका हूँ. ठीक है, हरी वी वॉन द मैच, सॉरी हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे मतलब खुश होते हैं ना, तो हुर्रे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया. ओह आर वी नॉट गोइंग टू सी द फिल्म, हम क्या पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, तो सैड फीलिंग्स आई. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड स्टेट देयर काइंड्स. ओके, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज हमारा क्या हुआ, हमारा किस में आएगा, इम्परेटिव में आएगा, बिकॉज इन द साइड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्परेटिव, इम्परेटिव ये हमारा क्या हुआ, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या बोला है, कमांड दिए ना, जस्ट टेक ऑफ योर शूज, तो इम्परेटिव हो गया. ड्रॉ अ लाइन टू जॉइन द पॉइंट, ये भी इम्परेटिव हो गया. आपको टीचर क्या करती है, जब आप ड्रॉइंग करते हैं तो बोलते इसको, इस लाइन को इस लाइन से बराबर जोड़ो, ठीक से जोड़ो. हाँ, तो जस्ट ड्रॉ अ लाइन इन टू जॉइन द पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, सो इंट्रोगेटिव. प्लीज पास मी द शुगर, तो इट्स अ इंपरेटिव. तो इस तरह से हमने सारे सेंटेंसेस किए हैं, इसको हम आपको पिक सेंड कर देंगे और आपको इसको सही से करना है विथ लर्न. ओके.